हाय गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मॉडलिंग करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए और एक परफेक्ट मॉडल बनने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। मॉडलिंग करते टाइम आपको बहुत सी ज़रूरी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मॉडलिंग करते वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ सिंपल और इम्पॉर्टेंट पोजिंग टिप्स। इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगी जिससे आप एक प्रोफेशनल मॉडल की तरह ही पोज कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बताई गई टिप्स को प्रैक्टिस कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज हेयर प्लेसमेंट। बहुत सारे लोग अपने बालों को अपनी बॉडी का हिस्सा नहीं मानते और इसी कारण वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर हमें अपने बालों को भी पोज देते टाइम सेट करना चाहिए। फीमेल मॉडल्स अपने बालों को अपने कंधों तक न आने दें क्योंकि इससे वे काफ़ी अजीब दिख सकती हैं। वे अपने बालों को पीछे या एक तरफ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो उन्हें एक पोनीटेल या एक बन में भी बांध सकती हैं। वहीं मेल मॉडल्स अपने बालों को एक जगह पर सेट करके रखें। आप एक हेयर स्टाइलिस्ट से अपने बाल जेल या स्प्रे से भी सेट करवा सकते हैं। सेकेंड इज लिफ्ट योर चिन। फोटोशूट या मॉडलिंग के टाइम आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी चिन थोड़ी आगे की तरफ खिंची हुई हो। ऐसा करने से आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेंगे। आप एक बार खुद से दो फोटो क्लिक कर देख लें, एक जिसमें आपकी चिन नॉर्मल हो और दूसरी जिसमें आपकी चिन आगे की तरफ खिंची हो। डिफरेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा। थर्ड, लिफ्ट योर आर्म। जब आप अपनी आर्म को सीधा रखकर एक फ्लैट पोजीशन में खड़े होते हैं तो यह बहुत ही सिंपल लगता है। ऐसा करने से आप फोटो में अनकंफर्टेबल भी दिख सकते हैं और आपकी आर्म काफ़ी मोटी भी लगती है, इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी आर्म 1 से 2 इंच उठा लें। ऐसा करने से आपकी आर्म मोटी भी नहीं लगेगी और अच्छी लुक भी आएगी। फोर्थ, लीव स्पेस बिटवीन वेस्ट एंड आर्म। जब भी आप पोज दें तो ये ध्यान में रखें कि आपकी कमर और आर्म के बीच में स्पेस हो। ऐसा ना करने से आप फोटो में मोटे दिखेंगे, इसलिए आप अपनी कमर और आर्म के बीच में स्पेस रखें। एक मॉडल के लिए अपनी बॉडी को बेस्ट तरीके से फ्लॉन्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सही पोस्चर मेंटेन करें। फिफ्थ, शोल्डर रोटेशन एंड आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप फोटो क्लिक करा रहे हों तो पहले यह ज़रूर चेक कर लें कि आप अपने शोल्डर्स को रोटेट कर खड़े हैं या नहीं। शोल्डर्स रोटेट करने से आपकी विड्थ कम लगती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि फ़ोटो क्लिक कराते समय आपकी नज़र कैमरे की तरफ हो। इससे ना सिर्फ आपकी आइज़ का वाइट पार्ट फोटो में आएगा बल्कि आयरिस भी फोटो में आएगी और आपकी फ़ोटो ऑकवर्ड नहीं लगेगी। और गाइज, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है नॉर्मल दिखना। खुद को बेटर फील कराएं और ये सोचें कि आप बेस्ट लग रहे हैं। पोज देते टाइम बॉडी को स्टिफ ना करें और पोजेस को मिरर के सामने प्रैक्टिस ज़रूर करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपके पोजेस भी अच्छे आएंगे। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप हमारी वीडियो हाउ टू बूस्ट कॉन्फिडेंस इन मॉडल्स देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑडिशन रिलेटेड क्वेरीज नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें और ऑडिशन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। थैंक यू।